हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जो नहीं भी देख रहे हैं, संसार के सभी लोग इसी तरह से खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो यहाँ पर मैं भिंडी काट रही हूँ, बहुत सारी हरी सब्जियाँ थी, सबको मैं धुलवा लेती हूँ। जिस तरह की शुरू से आप लोग जानते हैं, मैं नीचे भी बैठने का प्रयास करती हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी फील होती है। तो यहाँ पर मैं बाबू को पढ़ाने भी बैठा दी हूँ, टेबल वो लिख रहा है, और मैं लगभग जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं एयर टाइट कंटेनर में काट काट के रख दूँगी, क्योंकि कभी ये सुबह 8:30 बजे बोलते हैं निकलेंगे, कभी 9 बजे 9:30 बजे, और खाना खा के ये निकलते हैं, और उस समय फिर ये परेशानी हो जाती है मम्मी को कि बाबू को भी नाश्ता दीजिए। फिर सब्जी काटना भी एक महत्वपूर्ण काम होता है, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो मैंने मम्मी को कहा कि मैं काट के रख देती हूँ जितना संभव है। तो यहाँ पर मम्मी लहसुन और प्याज छील रही है, और मैं यहाँ बैठकर भिंडी काट रही हूँ। और भी बाबू से मैंने सारा सब्जी निकलवा लिया फ्रिज का, देखूँ क्या क्या है, काट के ही रख दूँगी। मुझे करेली का भरमा बहुत खाने का मन कर रहा था, तो मम्मी को बोले मम्मी बना देना, मैं तो हेल्प कर ही देती हूँ, अकेला मम्मी से नहीं हो पाता है उतना। तो सब सब्जी देखती हूँ अब क्या क्या है, और सब सब्जी मैं भी यहाँ पर काट के रख दूँगी। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। और डेली मेरा वीडियो नहीं आ पाता है, चाह कर भी हम नहीं अपलोड कर पाते हैं, परेशानी हो जाती है, कभी लाइट कट जाती है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगता है, तो नहीं हम अपलोड कर पाते हैं। ये सब परेशानी अभी थोड़ा सा चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी काट लिया है, अब यहाँ पर मैं जितना भी परवल है सबको छील कर इसको भी धो लूँगी। करेला है, ये सारा चीज़ उसका भरमा भी बनाना है, लेकिन ये छोटा वाला करेला नहीं है, बड़ा वाला है, तो इसको आगे का पोर्शन भरने के लिए निकाल लूँगी, जहाँ तक इस करेले में बीज पाया जाएगा। क्योंकि ये जो लंबा वाला करेला होता है, इसमें क्या होता है, पीछे में बीज नहीं होता है, फिर उसको खाली करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। पीछे को भुजिया, पीछे के भाग को भुजिया के लिए रख लूँगी, और आगे के भाग को भरने के लिए रख लूँगी। तो इस तरह से मैंने करेला भी काट लिया है, अभी तो यही सोचा था थोड़ा भिंडी का भुजिया और करेले का भरवा सोचा है अभी, लेकिन देखती हूँ क्या कुछ संभव हो पाता है, क्या कुछ बन पाता है। तो रात में तो खाना बना था पनीर की सब्जी और खीर और पूड़ी, तो सुबह हम लोगों ने वही नाश्ता किया, सब्जी भी थोड़ा बच गया था, खीर बहुत ज़्यादा बचा था, और कढ़ाई में जिसमें तले थे। तो यहाँ पर मैंने ये परवल मम्मी से धुलवा लिया है, अच्छे से सबको पोंछ कर मैं काट के रख दूँगी। और जैसे कढ़ाई में पूड़ी तलते हैं, शुद्ध घी आजकल यूज कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि अब आप शुद्ध घी खाइए, लेकिन मुझे नहीं खाया जाता है, तो पूड़ी वगैरह मैं खा लेती हूँ। तो जैसे जिस कढ़ाई में मैंने पूड़ी तला या मम्मी अभी तल रही है, तो उसको ढक के रख लेती हूँ, और सुबह फिर आटा मिला के उसी में पूड़ी तल लेती हूँ। सुबह हम लोगों ने सब ने यही नाश्ता किया है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, 9:30 बज रहा है, और इनका मॉर्निंग शिफ्ट है, तो ये अभी खाने आएंगे या नहीं आएंगे ये देख लेते हैं, तब फिर करेली भरने की का सोचेंगे। तो हम लोगों का तो नाश्ता हो गया, मम्मी का नाश्ता नहीं हुआ है, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि तुम भी नाश्ता करने बैठो। तो यहाँ पर मम्मी खीर और पूड़ी लेकर बैठी है नाश्ता करने, और मैं यहाँ पर अब करेली को खाली कर रही हूँ भरने के लिए, और बाकी पीछे का जो भाग है उसका मैंने भुजिया काट दिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा। मैं परवल भी काट लूँगी, जितना मेरे से मदद होता है डियर, मैं उतना करने का कोशिश करती हूँ, लेकिन अब मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अब मैं दिन रात भगवान से कहती हूँ भगवान मेरा कल्याण करे अब, क्योंकि अब बहुत परेशानी मेरी बढ़ती ही जाती है, मेरे लिए चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ मुश्किल हो गया है, एकदम परेशानी में पड़ गई हूँ। और नाइटी यहाँ से मैंने बाजू निकाला था नाइटी से, तो उसको इग्नोर करिएगा, ये घुटने के पास बाजू लगा हुआ था, तो इसीलिए वहाँ से सिलाई उधड़ गया है, तो वहाँ पर मैं सिलाई अभी नहीं लगाती हूँ, ध्यान भी नहीं दिया था, नहीं तो मम्मी को मैं बोलती कि मम्मी को बोलती तो मम्मी भी ठीक कर देती। तो यहाँ पर अब मैं सलाद काट रही हूँ, और देखती हूँ क्या खाना आज बना है। तो मुझे लगता है क्या कि करेली का भरमा नहीं बन पाएगा, लगता नहीं है, बल्कि वो बोलें कि मैं खाना खाने नहीं आऊँगा, तो फिर मम्मी बोली अब वो नहीं आएंगे तो करेली का भरवा बना के खुद खाओ, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैं चावल दाल और मुझे लगता है भिंडी का भुजिया बना है,
क्योंकि ये कल का वीडियो है, आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। क्योंकि भिंडी और कद्दू नेनुआ ये सब लगातार बन रहा है, और ये भिंडी का ही भुंजिया है। हरी सब्ज़ी लगातार यूज में हो रहा है, हरा सब्ज़ी खाना भी चाहिए। और अभी थोड़ा सा सब्ज़ी सस्ता भी हो गया है, 20 रुपये में 1.5 किलो भिंडी। तो इस तरह से मैं खाना खाने चली गई, और मम्मी भी खाना निकाल के खा लेगी क्योंकि उनको खाना खाने के लिए आना नहीं था। और फिर देखिए, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट डे का है और उसी टाइम का है, दोपहर का है। उन्होंने कहा मैं खाना खाने आज आऊँगा, तो फिर हम लोग खाना तो बन ही गया है, दाल चावल करेली का भुंजिया भिंडी का भुंजिया ये सब बन गया है। लेकिन जब वो बोलेंगे नहीं आएंगे खाना खाने, तब जो कल करेली का बीज निकाला था, करेली ये सब चीज़ इस डब्बे में करके रख दिया था, प्याज भी कटा हुआ, लहसुन भी कटा हुआ, सब कुछ रख दिया था। क्योंकि जब कल भरमा बना ही नहीं तो अच्छा था, कटा था, अब आसानी हो जाएगी, जल्दी सब कुछ बन जाएगा। और यहाँ पर जो डब्बा आप देख रहे हैं, एक में मैंने सरसों पीस के रख दिया है, क्योंकि जब गीला सरसों करके पीसिएगा आप, तो मिक्सर में मिक्सिंग क्या होता है कि वो होता ही नहीं है, बिल्कुल ये नहीं होता है, चूर नहीं होता है। तो मैंने ढेर सारा सरसों सूखा ही उसको पीस लिया, और धनिया पाउडर है और आमचूर पाउडर है, आमचूर का तो डब्बा ही है। तो सौंफ भी डाला जाता है करेली के भरवा में, तो अभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सौंफ पाउडर भी तैयार कर लूं। तो पहले उधर मैंने बीज और करेली, ये बीज करेली का, प्याज और लहसुन टमाटर उधर काट लूँगी जो मुझे मिक्सी में करना है, और कुछ सूखे मसाले हैं क्योंकि खाना बन गया है। तो मम्मी उधर कुछ डब्बा साफ़ कर रही है क्योंकि सामान भी आ गया है, तो उसको भी रखना है। तो ये ब्लू वाला बाल्टी भी खाली करवाया है, रेड वाला भी है। मैं नीचे से झुक झुक के उतना कर नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं किचन आती हूँ, अकेला मम्मी कितना करेगी यही सोच करके। तो यहाँ पर मैंने आमचूर पाउडर निकाला है और गरम मसाला, ये आमचूर कटोरी में ले रही हूँ। गरम मसाला भी लास्ट में सोची थी मैं दूंगी, लेकिन मैं भूल गई थी, और उसमें आमचूर में थोड़ा सा सरसों पाउडर डाल दिया, जो कि बिना पानी में भिंगोए डालूँगी ऐसे ही, और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और पानी में भिगोने के लिए जो मसाला होगा वो देखती हूँ। और यहाँ पर मैंने सौंफ दे दिया है, एक ही साथ मैं सौंफ का पाउडर बना के रख दूँगी ताकि कोई परेशानी ना हो। और जितना मसाला मुझे लेना था मैंने ले लिया, और बाकी सब डब्बा मम्मी रख दी, क्योंकि आज तो मंगलवार है, बुधवार तक आएंगी सुबह काम करने, लेकिन 3-4 दिन फिर नहीं आएंगे, वो कहीं शादी में जाएंगे। तो अब घर बिखेरने से कोई फ़ायदा है नहीं, डब्बा वगैरह भी इस महीना हम लोगों ने साफ नहीं करवाया, और उतना मम्मी ध्यान नहीं दे पाई। और वो इतना सवेरे आ जाती है, एक सोए रह जाते हैं हम, तो फिर काम हो नहीं पाया। वो शादी में जा रही थी तो थोड़ा थोड़ा मम्मी ही धो रही है, मैं भी अगर कोशिश करूँगी तो मैं भी धोऊँगी। तो यहाँ पर अब मसाला भून के, और ये जो प्याज है, टमाटर है, और लहसुन था, और करेले का बीज था, और दूसरी तरफ गैस पर थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के ये करेला जो है इसको बॉयल कर दिया है। और कद्दू भी आप साइड में देख रहे होंगे, अभी पूरा हरा सब्ज़ी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। इससे क्या होता है कि पेट में मेरा बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुजली, तो उसमें डॉक्टर को मैंने बताया, तो उन्होंने कहा क्या कि लीवर के प्रॉब्लम से भी खुजली होता है, और भी प्रेगनेंसी में भी होता है। तो लीवर में थोड़ा सा मेरा फैटी लीवर है, तो यहाँ पर अभी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दी मम्मी, यहाँ पर सौंफ डाल दी जो कि मैंने अभी तुरंत भून के इसको क्रश किया था, मतलब पाउडर बनाया था। तो थोड़ा सा फैटी लीवर में तेल मसाला आप कम खाएंगे तो आपका खुजली बिल्कुल नहीं होगा। और जब से मम्मी आई है तब से मेरे हस्बैंड तो मसाला वसाला डाल के बना देते थे, उनको अच्छा नहीं लगता है हरी सब्ज़ी उतना, लेकिन जब से मम्मी आई है तो 2 सब्ज़ी भी बन जाता है, तो परेशानी नहीं है, मम्मी बना लेती है। मैं तो बस मूंग का दाल चावल और भुंजिया वगैरह ही खाती हूँ, मेरे पेट की खुजली बिल्कुल बंद है, नहीं तो खुजलाते खुजलाते पेट से खून निकल जाता था मेरा। तो इस तरह से, और कई लोग कहते हैं बाद में उसमें मार्क्स भी पड़ जाता है जब आप प्रेगनेंसी में पेट खुजलाते हैं, तो इस तरह से करेले का भरमा रेडी हो गया था। पप्पा जी और इनको खाना लगा के हम लोगों ने भी खाना खाया, दाल चावल करेले का भुजिया भिंडी का भुजिया करेले का भरमा, इस तरह से। तो ये 2 दिन का मिला के आप लोगों को दिखाया, आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे मन नहीं लगता है डियर, लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन इतना बेचैन हो जाती हूँ, कभी बालकनी में बैठती हूँ, कभी लाइट चली जाती है, कभी लगता है मैं सर से नहा लूँ, कभी कुछ। तो
इसी तरह से, लेकिन आप लोगों से संपर्क है तो बात करना बहुत अच्छा लगता है। तब दो तीन दिन से दो तीन दिन अब काम भी करना ही पड़ेगा, मम्मी को मदद करना पड़ेगा। तो डियर, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे अपने अगले ब्लॉग में मिलूँगी। हर दिन आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, लेकिन वही परेशानी है जो कि आप लोग समझ सकते होंगे, और सबके साथ अलग अलग परेशानियाँ होती है, किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ कम। तो मुझे तो पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन जब माँ का मैंने सब कुछ किया उसके बाद से मेरी परेशानी कम हो गई है। तो अब आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिए डियर, सब कुछ मेरे साथ ठीक ठाक हो और आप लोग भी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। एक दो दिन नहीं भी आए फिर भी मेरा वेट क्या करिए डियर। लव यू डियर, लव यू, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा डियर, बाय बाय।